तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, और तिरंगा ही हिंदुस्तानियों की कमान है। ये जो हम तिरंगा आज लहरा रहे हैं, ये हमारे को वैसे ही नहीं मिला। इस तिरंगे के पीछे हजारों कुर्बानियां गई हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज़ादी को पाने के लिए हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तात्या टोपे आदि अनेकों देशभक्तों ने कुर्बानियां दी हैं। इन सभी कुर्बानियों के पीछे एक लक्ष्य था कि हमारा देश आज़ाद हो, क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया था और हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे कंगाल करके रख दिया। लेकिन हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ और तरक्की के दौर पर पहुंचा, और आज हम हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर कह सकते हैं कि आज हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 3 पर है, और हमारे देश का जो रोड मैप है वो वर्ल्ड के अंदर नंबर 2 पर है। एक अमेरिका को छोड़कर हमारे देश का जो वर्ल्ड मैप है वो नंबर 2 पर है। क्योंकि कहते हैं कि अमेरिका वैसे अमीर नहीं था, जब अमेरिका का रोड मैप सबसे बढ़िया हुआ तो अमेरिका अमीर हुआ। ऐसे नहीं कि अमेरिका के पास पहले पैसा था कि रोड बाद में बने, रोड पहले बनाए और बाद में अमीर देश हुआ। क्योंकि जिस भी देश का रोड मैप बढ़िया होगा, ट्रांसपोर्ट बढ़िया होगी, तो उस देश के बिजनेसमैन तरक्की करेंगे, वो देश तरक्की करेगा। इन सभी को देखते हुए मैं हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बधाई देता हूँ। आप सभी को पता है कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हमारी एक ही जात है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम तो एक हिंदुस्तानी हैं। अगर आप सभी से कोई पूछे कि हमारी क्या जात है, आपने कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, धर्म है तो हमारा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान है तो हम सब कुछ हैं, वरना कुछ नहीं। कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश के वासी हैं, कि जो वर्ल्ड के अंदर सबसे सुंदर देश है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर छह ऋतुएं नहीं हैं। कि एक भारत देश ऐसा है जिसके अंदर छह ऋतुएं हैं, और यहाँ पर हर देश जैसा, या आप स्विट्जरलैंड को देखो या हमारे हिमाचल में कुफरी को देखो, एक समान है। अफगानिस्तान को देखो तो राजस्थान को देखो, एक समान है। कि हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, और हिंदुस्तान के अंदर वो स्टेट हरियाणा है जो कि नंबर 1 है आज के दिन भारत के अंदर, और हरियाणा के अंदर जींद जिला जो कि हरियाणा का दिल है, और जींद जिले के अंदर हमारा गांव का सौभाग्य है कि हमारा जन्म गांव ढाकल के अंदर पैदा हुआ, और आप सभी का सौभाग्य है कि आप उस घर के अंदर पैदा हुए जो कि गांव का सबसे सुंदर घर है, क्योंकि आपके माता पिता के समान कोई दूसरा माता पिता नहीं हो सकता। बच्चों ध्यान से सुनो कि आपके माता पिता के समान कोई दूसरा माता पिता नहीं होता। अमीरी गरीबी एक अलग चीज है, जो गरीब पिता अपने बच्चों की परवरिश करता है वो अमीर नहीं कर सकता। कि आप अपने माता पिता का आदर करो, यही हमारा लक्ष्य है। आप एक हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर हो, कि अब हम आप एक आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर हो। अगर आप तरक्की करोगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। आज का युग है कि हम मोबाइल रखते हैं, मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर अपने बुजुर्गों की बात सुनो, अपने माता पिता की बात सुनो, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे, अपने माता पिता की बात सुनोगे, तो आप एक दिन
तरक्की करोगे और उस लक्ष्य को छुओगे जो आपके मन में है। मैं तो आप सभी बच्चों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो मोबाइल है उसको कम से कम यूज करो और अपने भविष्य की तरफ ध्यान दो। देश की अर्थव्यवस्था तो मैंने आपको बताई थी, तो मैं तो आप सभी को एक और आखिर में कहना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कूल है, आज ही मैडम जी ने मेरे को बताया कि हमारे स्कूल का जन्म 1948 में हुआ था। जो हमारे पहले सरपंच मेरे दादाजी करमचंद कुंडू थे, उन्होंने गांव में स्कूल की नींव रखी थी। उस टाइम किसी भी तरफ से कहीं से कोई भी सरकार की तरफ से कोई सहारा नहीं था स्कूल बनाने में। उन्होंने एक कदम उठाया कि एक रुपया एक ही हर घर से ली कि हर घर मेरे को एक रुपया और एक इंट दो। उन्होंने हर घर से एक रुपया एक इंट इकट्ठी की और स्कूल का निर्माण कराया और आज हमारे स्कूल को हमारे गांव के अंदर हमारे स्कूल की 3 शाखाएं हो चुकी हैं। एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, दूसरा प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल और तीसरा ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें हम यहां पर खड़े हैं। तो हमारा तो मेरा तो यही निवेदन है कि हमारा स्कूल दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की करे। जैसे कि मैंने सुना है कि हमारा स्कूल का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है, मैं भी अपनी तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ कि अब तक जो भी हुआ ठीक है, लेकिन 5 साल के अंदर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा स्कूल जीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 का स्कूल होगा। कि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से सरपंच के कुछ हाथ बंधे होते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि ये काम करेंगे स्कूल के अंदर वो काम करेंगे, लेकिन ऊपर से प्रशासन का दबाव होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि धीरे धीरे जो भी स्कूल के अंदर कमियां हैं, जैसे कि ग्राउंड पक्का करना है, सेड है, सौर ऊर्जा है, स्कूल के अंदर जो पेंट करवाना है वगैरह वगैरह, ये 1-2 साल के अंदर हर काम पूरा होगा। ये मैं आपको सीधे सामने आज 15 अगस्त के दिन वादा करता हूँ। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ पर पहुँचे हुए सभी मेहमान अतिथिगण ग्रामवासी पूरी ग्राम पंचायत दाखिल की तरफ से हमारी मुख्य अध्यापिका रवीला सिंगला जी, मनोज नैन जी व सम्मानित मंच ग्रामवासी छोटे बच्चों व सर्व अध्यापक गण सभी का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी वाणी को सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।